राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम खाना जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है, खास करके उनके लिए जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि खाना जी के लिए गर्मियों के लिए कपड़े सिलेक्ट कैसे करें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि हम अगर गर्मियों के लिए खाना जी के लिए कपड़े बना रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो हम उनके लिए ड्रेसेस कैसे सेलेक्ट करें, कैसा फैब्रिक लें, कैसा प्रिंट लें, किस तरह का स्टाइल हम चूज़ करें, और क्या क्या मटेरियल है जो हमें अवॉइड करने हैं और क्या क्या हमें यूज़ करने हैं। तो इसी टॉपिक पे बेस्ड है आज की हमारी वीडियो। तो जो फर्स्ट हमारी कंफ्यूजन है वो है फैब्रिक, कि हमें किस तरह का फैब्रिक जो है यूज़ करना चाहिए। तो फैब्रिक जो सबसे पहले हमें यूज़ कर सकते हैं हम गर्मियों के लिए, वो है कॉटन फैब्रिक, जो कि बेस्ट है, कंफर्टेबल है, कान्हा जी के ऊपर कंफर्टेबल रहेगा। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है, बहुत सारे प्रिंट आते हैं, बहुत सारी टाइप्स आती है। तो आप जो भी कॉटन लें तो आप चूज़ करें कंफर्ट के हिसाब से, कि कौन सा कॉटन का फैब्रिक जो है कंफर्टेबल रहेगा। तो सबसे पहला फैब्रिक है कॉटन फैब्रिक, कॉटन में बहुत वैरायटी आती है। सेकंड है नेट फैब्रिक, नेट फैब्रिक हम ले सकते हैं, समर्स के लिए बेस्ट है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें जो नेट लेना है वो सॉफ्ट नेट हो, चुभे नहीं कान्हा जी को, कम्फर्टेबल रहे। नेट में आगे वैरायटी आती है, प्लेन नेट आता है, एम्ब्रॉयडर्ड नेट आता है, और सेल्फ प्रिंट में नेट आता है जिसमें हल्का हल्का ये प्रिंट बना होता है। तो वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप कौन किस तरह का नेट जो है चूज़ करते हैं ड्रेसेस के लिए। सेकेंड थिंग है कि अगर हम कॉटन फैब्रिक ले रहे हैं, अगर नेट ले रहे हैं तो उसमें हम सेल्फ प्रिंट, प्लेन या एम्ब्रॉयडर ले लेंगे। अगर हम कॉटन फैब्रिक ले रहे हैं तो उसमें हम प्रिंट कैसे सिलेक्ट करें? तो कान्हा जी के लिए जो हमें प्रिंट सिलेक्ट करने हैं वो फ्लोरल प्रिंट हो सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि जो फ्लावर्स बने हों वो बहुत छोटे साइज़ के हों। जैसे देख सकते हैं आप इसमें कितने स्मॉल साइज़ के फ्लावर्स बने हुए हैं, ये मैं कुछ टाइप्स आपको दिखा रही हूँ। ये ज्योमेट्रिक प्रिंट है, तो देखिए चेक कितना स्मॉल है, ये हार्ट है तो स्मॉल स्मॉल हार्ट। इस तरह से हमें स्मॉल स्मॉल प्रिंट वाले फैब्रिक जो है वो चूज़ करने हैं कान्हा जी के लिए, क्योंकि कान्हा जी का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो अगर हम लार्ज प्रिंट सेलेक्ट करते हैं तो वो प्रिंट आ ही नहीं पाता ड्रेस में, तो इसीलिए हमें स्मॉल प्रिंट वाले फैब्रिक जो है चूज़ करने हैं। आप बेबी प्रिंट भी चूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से देखिए ये बेबी प्रिंट है, इसमें स्मॉल हार्ट्स और टेडी बियर्स बने हुए हैं, इसमें हार्ट्स बने हुए हैं, ये फ्लोरल प्रिंट है। प्रिंट आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, ज्योमेट्रिक, फ्लोरल, बेबी प्रिंट, लेकिन आपको याद रखना है, माइंड में लेके चलना है कि आपको प्रिंट जो सिलेक्ट करना है वो स्मॉल प्रिंट हो, जैसे स्मॉल स्मॉल फ्लावर हो गए, स्मॉल स्मॉल लीव्स, स्मॉल हार्ट्स, इस तरह के प्रिंट आपको चूज़ करने हैं। ये मैं आपको कुछ तरह के प्रिंट दिखा रही हूँ जो मैंने अपने कान्हा जी के लिए सूट्स बनाए हैं। थर्ड थिंग है कि हमें कैसे स्टाइल्स जो है वो लेके चलने चाहिए समर सीज़न के लिए। तो सबसे पहला स्टाइल है वो है बिब सूट। आप बिब सूट बना सकते हैं, गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल रहेगा और सिर्फ कॉटन फैब्रिक से बन जाता है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं चाहिए। फिर आप इस तरह का छबला बना सकते हैं, ये मैंने वीडियो डाली हुई है सबकी, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। नाइट सूट बना सकते हैं गर्मियों के लिए, परफेक्ट रहेगा कान्हा जी के लिए। स्विम सूट बना सकते हैं, कंफर्टेबल रहेगा, ये भी मैंने वीडियोस सबकी वीडियोस मैंने जो है अपने चैनल पे डाल रखी हैं, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या आप सिंपली मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये स्विम सूट है, ये बहुत कंफर्टेबल रहेगा। इस तरह की सिंपल ड्रेस बना सकते हैं, इसमें मैंने कोई बकरम यूज़ नहीं की है, आप देख सकते हैं। इस तरह की फ्रॉक बना सकते हैं, ये भी मैंने वीडियो डाली हुई है। तो आप जो है समर में केप ड्रेसेस बना सकते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। तो बहुत सारी वीडियोस मैंने समर स्पेशल ड्रेसेस की डाल रखी है, आपको जो अच्छी लगे, इजी लगे, आप वो बना सकते हैं कान्हा जी के लिए। फोर्थ थिंग है लेसेस, हमें लेसेस किस तरह की यूज़ करनी चाहिए। तो हमें कान्हा जी के लिए अगर गर्मी की ड्रेस बना रहे हो तो आप लेसेस को रिप्लेस कर सकते हो रिबन से, ये थिन थिक, बहुत सारी विड्थ आती है इसकी, ये देखिए बहुत थिन भी आता है, थिक भी आता है, आपको जितनी विड्थ का चाहिए उतनी विड्थ का आप ले सकते हैं। ये रिबन मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं लेसेस की जगह पे। कॉटन लेस यूज़ कर सकते हैं जो कि कंफर्टेबल भी है और ड्रेस में एक लुक भी क्रिएट करती है, या फिर आप सिंपली जो है
पाइपिंग निकाल सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये बिप सूट में निकाल ली है। बहुत सारे जो मैंने कान्हा जी के सूट बनाए हैं इसमें मैंने पाइपिंग निकाली है। सिंपली हम फैब्रिक की जो है पाइपिंग निकाल सकते हैं, स्केप में निकाल ली है, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। कॉटन लेसेस यूज़ कर सकते हैं, रिबन यूज़ कर सकते हैं। आप हैवी लेसेस को अवॉइड करिए क्योंकि गर्मी का सीज़न है, तो आप इस तरह के मटेरियल के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप फेस्टिव ड्रेस बनाना चाहते हो समर सीजन के लिए तो क्या करें। ये केप ड्रेस है, ये बना सकते हो। इसमें सिंपली नेट फैब्रिक और कॉटन फैब्रिक यूज़ हुआ है। ये एम्ब्रॉयडर्ड नेट की एक ड्रेस मैंने बनानी सिखाई थी, ये बना सकते हो। ये बनानी बहुत इजी है और बहुत सुंदर लगती है। कॉटन लेसेस से आप हैवी ड्रेस क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए, ये मैंने सिंपली कॉटन के फैब्रिक पे कॉटन लेस से ये पैटर्न क्रिएट किया है। ये इस तरह के स्टाइल बना सकती हो, या सिंपली फैब्रिक जो है गोल्डन प्रिंट फैब्रिक ले लीजिए, उसमें आप इस तरह से ड्रेस बना सकते हैं। बहुत प्यारी लगती है, ये फेस्टिव लुक क्रिएट हो जाता है इससे। तो आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये मैंने कॉटन का एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक लेके कॉटन की ही लेस यूज़ करके हैवी ड्रेस क्रिएट की है। आप लेसेस की जगह स्टोन चेन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ब्रॉकेट की बनाई है सिंपली, ये बहुत प्यारी लगती है, फेस्टिव लुक देती है कान्हा जी को। आप इस तरह की ड्रेसेस के साथ जा सकते हैं। ये मैंने एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन ली थी, इसकी वीडियो आने वाली है, तो ये भी देखिए ये बहुत प्यारी लगती है। इसके साथ मैंने फ्रिल अटैच कर दी। वेस्टर्न ड्रेसेस बना सकते हैं, मैंने वेस्टर्न ड्रेस की वीडियोज़ डाली हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। बहुत प्यारी लगती है, फेस्टिव लुक क्रिएट हो जाता है कान्हा जी के लिए। तो आप इन सब मटेरियल्स के साथ जाइए बजाय बहुत ज़्यादा हैवी थिंग्स यूज़ करने के। गर्मियों के आप जब भी ड्रेस बनाएं तो आपको बकरम को रिप्लेस करना है, या तो आप सिंपली फैब्रिक से रिप्लेस कर सकते हैं लाइनिंग फैब्रिक से, या फिर आप क्लोथ बैग का जो फैब्रिक आता है उस फैब्रिक से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बकरम जो है कंफर्टेबल नहीं रहती स्पेशली समर सीजन के लिए, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर आप डबल फैब्रिक लेके उसमें चुन्नटे डाल सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी ड्रेसेस में किया है, मैंने डबल फैब्रिक लेके उसमें चुन्नटे डाली है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए, ये कॉटन की है, एक मैंने ये बनाई है, इसमें मैंने फ्लेयर जो है नेट का ऐड कर दिया, ऊपर चोली जो है कॉटन की है, ताजो कंफर्टेबल रहे कान्हा जी को। तो आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसमें बकरम यूज़ ना हो आप वो स्टाइल्स बना सकते हैं। केप ड्रेस में बकरम यूज़ नहीं होती, बिब सूट, नाई सूट, सूट जितने भी होते हैं उनमें बकरम यूज़ नहीं होती। राउंड शेप की अगर ड्रेसेस बनाने हैं उसमें आप क्लोथ बैग का फैब्रिक यूज़ करिए, लाइनिंग यूज़ करिए बजाय बकरम यूज़ करने के। तो ये कुछ स्टाइल्स हैं जिनमें हम बिना बकरम के भी बहुत प्यारी सी ड्रेस क्रिएट कर सकते। लास्ट बट नॉट लीस्ट थिंग है ज्वेलरी। आप ज्वेलरी को रिप्लेस कर सकते हैं, जिस तरह से आप मुकुट को रिप्लेस कर सकते हैं समर कैप से। ये समर कैप मैंने ड्रेसेस के साथ सिखाई है, वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी सिखाई है, इस वाली ड्रेस के साथ नेट की ड्रेस बनाई थी उसके साथ भी सिखाई है। तो इस तरह से आप समर कैप से रिप्लेस कर सकते हैं मुकुट को। और जो नेकलेस वगैरह है जो आप कान्हा जी को सर्दियों में पहनाते हैं उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं केप से। नेट का केप बना सकते हैं, सिंपली केप बना सकते हैं, उससे आप रिप्लेस कर दीजिए हैवी ज्वेलरी को, जिससे कान्हा जी को गर्मी ना लगे। तो इस तरह से आप अगर सिलेक्शन करेंगे तो कान्हा जी कंफर्टेबल रहेंगे। हैवी ड्रेसेस में आप गोटा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, जिस पे गोटा लगाता है। ये बारीक गोटा जो है इसमें वो हैवीनेस नहीं होती, मतलब वेट नहीं होता, जिस कारण ये कंफर्टेबल रहेगा। इस फैब्रिक की ड्रेस मैं जल्दी ही अपने चैनल पे डालूँगी, तो आप कुछ इस तरह के स्टाइल के साथ जाइए तो कान्हा जी कंफर्टेबल भी रहेंगे और समर्स में स्टाइलिश भी लगेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।